राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जहां राजधानी कीव में रूस द्वारा मिसाइल हमले किए गए हैं, तो वहीं ओडिशा शहर के ब्लैक सी पोर्ट से भी रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के शहर में दाखिला लिया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें जी बिहार झारखंड को यूक्रेन में मौजूद एक भारतीय छात्र ने इवानो फ्रैंकिस्क नामक जगह से भेजा है। यूक्रेन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। नाटो देशों के बीच आपातकाल बैठक बुलाई गई, जिसके बाद अमेरिका के दो बॉम्बर्स ने भी उड़ान भरी थी। हालांकि इस बात की औपचारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अब तक रूस द्वारा यूक्रेन के करीब 23 से ज्यादा इलाकों पर हमला किया जा चुका है। साथ ही जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक रूसी थल सेना यूक्रेन के अंदर जमीनी रास्ते से भी घुस चुकी है।